prep fast in one class. तो finally हम कर रहे हैं mega marathon, because it's time for the examination. Examination countdown जो है, it's already on. So last class आपने किया था mega marathon of medieval. So today we are going to do mega marathon of ancient India. कल करेंगे mega marathon of modern India. So these are the three important sessions specifically coming up this week. तो फटाफट से join in कर लीजिए everyone and let us start the mega marathon sessions. So before we start the sessions, everyone, in the last month हमने dedicate किया था for past year questions. So we did previous year questions of history proper year wise. So all those people who want to solve previous year questions, so please make sure आप हमारे पिछले month के जितने भी sections हैं, you select all of them. At the same time, हमने important previous year questions को अलग-अलग parts में किया है. So please make sure कि अगर आप कोई year का question paper कर रहे हैं, so you are actually checking the entire year and entire parts and doing it as a whole. So एक part नहीं, चार-चार part में हमारे questions हुए. So please make sure you watch it. Okay? So शुरू करेंगे आज everybody ancient India. So firstly, I hope you all are studying really well and examination countdown आ चुका है and the time is ticking off. So I hope you all are having a very very productive day. तो फिलहाल मैराथन सेशंस, ये पूरे वीक हम मैराथन सेशन करेंगे आप लोगों के लिए, सो दैट देयर इज अ क्विक रन थ्रू रिवीजन ऑफ द एंटायर सिलेबस. सो जॉइन इन क्विकली एंड देन वी आर गोइंग टू जॉइन द सेशन. वो लोग जो हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली क्विक रिमाइंडर्स फॉर ऑल ऑफ यू. सबसे पहले प्लीज सब्सक्राइब टू यूजीसी नेट चैनल. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितने भी आपको हिस्ट्री के सेशंस मिल रहे हैं, पेपर वन के सेशंस मिल रहे हैं, प्लीज बी अप टू डेट विद ऑल दीज सेशंस, ऑल नोटिफिकेशंस जो भी आ रहे हैं. सो प्लीज मेक श्योर फर्स्टली यू डू नॉट मिस एनी ऑफ दीज. तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. दूसरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वी हैव अ टेलीग्राम ग्रुप. टेलीग्राम ग्रुप नेम इज यूजीसी नेट हिस्ट्री शुभांगिनी एंड अश्विनी. प्लीज मेक श्योर यू ज्वाइन अ टेलीग्राम ग्रुप. ये एक ऐसा जगह है जहां पे हम सारे हिस्ट्री लवर्स एक साथ कनेक्टेड हैं, एक साथ जुड़े हुए हैं. सो प्लीज मेक श्योर यू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप अगर आप अभी भी पार्ट नहीं है. दूसरी, वी हैव फ्री क्लासेस फॉर ऑल आवर एस्पिरेंट्स. तो जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉर ऑल योर इन्फॉर्मेशन, हमारे बायजूस एग्जाम प्रेप ऐप में सेशंस होते हैं 11 AM मंडे टू फ्राइडे एंड वी हैव यूट्यूब सेशंस ट्यूसडे टू फ्राइडे 3 बजे. सो 11 बजे 3 बजे हम आपसे डेफिनेटली मिलते हैं ऑलमोस्ट ईच डे टू मेक श्योर दैट यू आर यूटिलाइजिंग ऑल आवर सेशंस. ऑल्सो एक नई आपके लिए सीरीज शुरू हुई है, हिस्ट्री क्वेश्चन सीरीज. तो आज मैंने आपको हिस्ट्री क्वेश्चन सीरीज में एक वीडियो दिया है जहां पे हमने हरप्पन डिक्लाइन के क्वेश्चन डिस्कस किया है. सो एवरी वीक आई एम गोइंग टू गिव यू सम काइंड ऑफ क्वेश्चंस एज वेल, जिसको बहुत डिटेल तरीके से क्वेश्चंस को तो करेंगे, एट द सेम टाइम आंसर्स भी देखेंगे. सो प्लीज डू नॉट मिस आउट दीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पीएचडी एंट्रेंसेस में आते हैं, जो आप अलग असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशंस दे रहे हो ऑफ डिफरेंट स्टेट्स. इट कम्स देयर, इट कम्स इन यूजीसी नेट, इट कम्स इन टीजीटी, पीजीटी, मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस इन ऑल ऑफ देम. सो दैट इज ऑल्सो वन सीरीज जो साइमल्टेनियसली चल रहा है. सो प्लीज मेक श्योर यू डू नॉट मिस एनी ऑफ देम. तो चलिए फर्स्टली एवरीवन अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू द सेशन. So we have Amirka, hello and very very warm welcome. I am doing absolutely great everyone and I hope you all are doing great, because firstly you all have to be healthy aur aapka abhi filhal healthy rehna aur aapki productivity abhi bahut zyada important hai. Sachin, hello. Mausmi, Nidhi, Sanchita, Sneha, Prakash, Renu, Alpana, Amit, Mausmi, a very very good afternoon to all of you. Okay, Hina, then we have Manu. Manu, this is for paper 2 history. Okay, then Padmini, Arpita, Indrajit, Abdur, Sanchita, अर्पिता, यस अर्पिता सेकेंड टाइम. ओके, सो कृष्णा, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून. अश्वा, हेलो एंड वेलकम. अंजलि, ओके, चलिए. सो ज्योति, वेरी वेरी वार्म वेलकम. वंदना, गुड आफ्टरनून. लाजवंती, हेलो एंड वेलकम. ओके, सो ऑल्सो वन क्विक अनाउंसमेंट एवरीबडी, हमारे ऐप में चल रहा है टॉपिक वाइज क्वेश्चंस. तो जिनको भी टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करने हैं, वी हैव पुट 2-2 टॉपिक्स इन ईच सेशन. तो ऐप पे टॉपिक वाइज सेशंस चल रहे हैं. सो प्लीज मेक श्योर ऑल दोज हु वांट टू डू दिस लास्ट टॉपिक वाइज रिविजन, आप हमारे ऐप पे चल रहे हैं. एट द सेम टाइम यूट्यूब पे हम प्रॉपर एज अ होल सेशंस कर रहे हैं. तो जिनको जनरल हिस्ट्री पढ़ना है एज अ होल, यू इन द लास्ट मोमेंट ऑफ रिविजन, सो प्लीज अटेंड द यूट्यूब सेशंस एट 3 बजे. तो दोनों हमारी जगह इंडिविजुअल ओरिएंटेशन है. सो प्लीज मेक श्योर यूर अटेंडिंग both of them. ठीक है वर्षा, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून. ओके रितिका, फर्स्ट टाइम, देन रितिका फर्स्टली वेरी वेरी वार्म वेलकम टू आवर सेशन. यस सचिन, यू सॉ द वीडियो. तो जिन्होंने भी वीडियो नहीं देखा, ये तीसरा पार्ट है. तो जिन्होंने पहले भी दो वीडियोस मिस कर दिए हमारे क्वेश्चन सीरीज के, फटाफट से वो जरूर देख लीजिएगा. ओके, तो एवरीवन शुरू करते हैं हमारा आज का मैराथन क्वेश्चन. फटाफट से 30 क्वेश्चंस का मैराथन है. एक बार डेट्स आ जाए, देन वी विल ब्रिंग यू मच मोर इंटरेस्टिंग एंड बिगर सेशंस.
बट बिफोर वी स्टार्ट एज इम्पोर्टेंट एक पॉजिटिविटी का डोज बहुत जरूरी है एंड फर्स्ट डोज हियर इज बिलीव दैट यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट वट एवर इट इज. सो बिलीव करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर सेकेंड थॉट्स हर दो स्टेटमेंट बाद आएगा आफ्टर एवरी पैराग्राफ इफ यू आर क्वेश्चनिंग योर सेल्फ की याद रहेगा नहीं रहेगा विल दिस कम नॉट कम तो थोड़ा प्रिपरेशन जो है वो मुश्किल हो जाएगा. एंग्जाइटी लेवल सुपर इंक्रीज कर जाएगी. यू हैव टू बिलीव दैट GRF इज योर गोल एंड यू आर गोइंग टू गेट GRF. GRF किसी भी हाल में मिलेगा ही मिलेगा. एंड प्लीज जैसे ही आप ये पॉजिटिव थॉट्स लेके आएंगे अल्टीमेटली यू विल सी प्रोडक्टिविटी विल स्टार्ट इंक्रीजिंग दैट एनर्जी एंड फायर विल स्टार्ट कमिंग अप. तो ये 15 डेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस 15 डेज में टेक्निकली मेक एंड ब्रेक है. डू नॉट गो ऑफ ट्रैक इन दिस. डू नॉट क्वेश्चन योर प्रिपरेशन. प्लान बी के बारे में नहीं सोचना है. अगर फेल हो जाएंगे तो क्या करेंगे. यू डू नॉट हैव टू थिंक एनी ऑफ दीज नेगेटिव थिंग्स राइट नाउ. प्लीज बिलीव दैट GRF इज द एम. इतने इतने हमारे टारगेट्स हैं जो हमें स्मैश आउट करना है. सो वंस यू स्टार्ट बिलीविंग वंस ultimately you will see your confidence level is starting to go up and ultimately आप देखोगे productivity भी बढ़ गई है. जितना generally आप question कर रहे हो खुद को double thoughts दे रहे हो you will see productivity is also going down because हर line बाद आपको यही लगेगा कि ये आएगा नहीं आएगा ये याद रहेगा नहीं रहेगा. But if you are so positive in your preparation if your approach is like that you will see preparation will go on really smoothly. Double retention आपको होगा. So आज का positive dose यही है कि believe करना है 15 days. Stay away from all kind of negativity. Stay away from everything. Mocks में कम marks आ रहे हैं तो आप identify करो analysis करो कि basically questions गलत कहाँ हैं. So analyze those sections. Don't be demotivated by that. क्योंकि main match उस दिन है जिस दिन हमारा net examination होगा. That 3 hours you have to rock the paper. You have to nail the paper. ये सब test matches हैं where you are analyzing your weaknesses. So believe in yourself and you can do anything and you will do it automatically once you start believing. ठीक है. तो GRF का target के नीचे तो सोचना ही नहीं है. 60 प्लस क्वेश्चंस हिस्ट्री में एम करना है वो हमारा टारगेट होना चाहिए. उसके आगे पीछे वंस द एग्जामिनेशन इज ओवर देन वी आर गोइंग टू थिंक अबाउट दैट. अभी टारगेट ये है. ओरिएंटेशन माइंडसेट सीधा सीधा इसी में रहना चाहिए. ओके एंड प्लीज कीप ऑन वेयरिंग दिस क्राउन बिकॉज यू ऑल आर टेक्निकली प्रिंस एंड प्रिंसेसेस इन द वर्ल्ड. तो भाई अपने जो इनविजिबल क्राउन है उसको हमेशा पहने रखना है एंड जस्ट स्टडी लाइक दैट विद फुल एंड कॉन्फिडेंस. एंड ये सोचो अगर सोच नहीं है इफ यू आर रियली फ्री थिंक वेयर डू यू वांट टू टीच आफ्टर यू क्लियर द असिस्टेंट प्रोफेसर. आपके कोई ड्रीम कॉलेज where you always wanted to look at yourself. So think something like that which is going to give you more rush. ठीक है. तो negative नहीं सोचना है. unnecessary बातों में time waste नहीं करना है. constant revision जो है history का करते रहना है. जितना आप पढ़ रहे हैं direct indirect questions we have to him and you will be able to do really really great in the paper. So no tension. अब इसी positive note में आज का session जो है शुरू करते हैं. 30 marathon questions back to back. So I think most of you have already joined in. Let's start. So first important question everyone, which among the following is not correctly matched? Metal or is metal ka kaun sa source region hai? Gold, Kolar, we have tin, Afghanistan, jade, South India, turquoise, Iran. Tin mein se basically kaun se hamare metal dhatu hai, kaun se unke kshetra hai jo ki basically galat hai, which is not correctly matched. So we have gold which is coming from Kolar, tin coming from Afghanistan, jade aa raha hai South India se and basically turquoise aa raha hai Iran se. So which among the following here is absolutely correct? Padmini, you are absolutely correct. Okay, and everybody rest. Yes, Renu absolutely correct hai, Rabi correct hai, Ashwa, Ritika, Sneha, Mausmi bilkul sahi hai. Okay, Arpita, Sanchita, okay, personal conversation is going on. Okay, so Anjali, Prakash, Ansi, Megha, Vikas, Jyoti absolute correct hai, Jalaluddin bilkul sahi hai, Thaslima, Sachin absolutely correct. The incorrect option here is C, most of you are absolutely correct. Nancy, Mausmi, Barsha, Amirka absolutely mind blowing, awesome. Moving to question number 2. The single bull capital of the Mauryan period is found at. Single bull capital हमें कहाँ पे मिला? रामपुरवा में, कलसी में, धावली में या सांची में? So in which among the following places do we find single bull capital जो है ये हमें कहाँ पे मिला है? Which brings us to the question very very importantly कि भाई जो भी pillars हैं और किस pillar में हमें कौन से animals मिलते हैं इस पे match the following questions आते हैं. So once you are doing the Mauryan period specially Mauryan architecture ये जरूर देख लीजिएगा. At the same time जो Buddhist symbols होते हैं वो उनके मतलब look at that as well. At the same time stupas pe bhi questions aa chuke hain. So please make sure you do all of them. Proper stupa ke jo parts hain unke naam kyunki wo bhi previous year mein aa chuka hai. So most of you are absolutely correct. Correct answer here is A, Rampurwa. So we have Santi Gopal, Barsha, Thaslima, Khatun, Susmita, Reshma, Anjali, Jalaluddin, Sarita, Nancy, Somnath, Prakash, Sumitra, Megha, Ashwa, Deepansha absolutely correct hai. Sanchita very good. Moving forward to question number 3. इनमें से कौन से ऐसे रूलर हैं जो कानवा डायनेस्टी को बिलोंग नहीं करते हैं उनके शासक नहीं है. हम बात कर रहे हैं वासुदेव की, बी भूमिमित्र की,
सी नारायण की और डी खराबेल की। सो इनमें से कौन है जो बेसिकली आपके कान्वा वंश का शासक नहीं है, हु डज नॉट बिलोंग टू द कान्वा डायनेस्टी? वासुदेव, देन वी हैव भूमित्र, देन वी हैव नारायण और देन वी हैव खराबेल। ओके सो विकास यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। संचारी बिल्कुल सही है, संती गोपाल, खतून, नैंसी, ज्योति, स्नेहा एब्सोल्युटली करेक्ट है, रेशमा, पद्मिनी, एंसी करेक्ट। ओके अश्वा, अब्दुल, अमेरिका बिल्कुल सही है, अर्पिता, मेघा, रेशमा, सुमित्रा, दीपांशा, अल्पना एब्सोल्युटली करेक्ट, सरिता, अंजलि, एवरीबडी इज ऑन फायर, कृष्णा, रेशमा बिल्कुल सही है, द करेक्ट आंसर हियर इज डी, एब्सोल्युटली करेक्ट। जनरली कुछ डायनेस्टीज के बारे में अलग सोर्सेज अलग रेफरेंसेस देते हैं। अकॉर्डिंग टू पुराण यहाँ पे फोर किंग्स थे मोस्टली, वो बेसिकली वासुदेव, भूमित्र, नारायण एंड बेसिकली सुसराम। वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कहा जाता था वासुदेव जो है वो इनिशियली आपके मिनिस्टर थे शुंगा एम्परर देवभूति की, हु देन असैसिनेटेड द एम्परर एंड फिर उन्होंने थ्रोन जो है ये असर्प कर लिया था। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर फोर, इनमें से कौन सी ऐसी किताब है जो कि हर्षवर्धन ने नहीं लिखी है? हर्षवर्धन की पुस्तक कौन है जो इनमें से नहीं है? रत्नावली, देन वी हैव प्रियदर्शिका, देन वी हैव कदंबरी एंड देन वी हैव नागानंद। सो व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बुक रिटन बाय हर्षवर्धन? ओके ओके सो विकास इज करेक्ट, ज्योति इज करेक्ट, रेनू इज करेक्ट, अर्पिता, खतून एब्सोल्युटली करेक्ट है, देन वी हैव संती गोपाल हुज करेक्ट, स्नेहा, अंजलि, दीपांशा, संचिता इज वेरी हैप्पी, जलालुद्दीन, रेशमा, अश्वा, पद्मिनी, कृष्णा, पुष्पा, प्रकाश, सोमनाथ, अल्पना, संचारी, थसलीमा, राबी एब्सोल्युटली करेक्ट। द करेक्ट आंसर हियर विच मोस्ट ऑफ यू हैव गिवन, इनफैक्ट ऑल ऑफ यू हैव गिवन हियर इज सी, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो जनरली हर्षवर्धन का टाइम पीरियड से क्वेश्चन आता है मोस्टली, उनकी सोसाइटी पे आप देखोगे असर्शन रीजनिंग या थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं। इनके अलावा समटाइम्स दो इंपॉर्टेंट रूलर होते हैं जिनके साथ इनकी थोड़ी मतभेद होती है, उनका नाम हाउ इज, उनके टाइम पीरियड में आप देखोगे डिसेंट्रलाइजेशन जो है ये कैसे सीप इन करता है मोस्टली, एंड जस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली उनके बारे में, उनका एक्सपेंशन के बारे में, डू ऑल दैट रियली रियली वेल। एक बार टर्म बेस्ड क्वेश्चन भी आ चुका है, ओके सो डू दैट रियली वेरी वेरी वेल। ओके सो हर्षवर्धन वेरी इंपॉर्टेंट, इनके बायोग्राफर थे बाणभट्ट एंड ही बेसिकली टेक्निकली हिज बेसिकली ही रोट हर्षचरिता और कदंबरी, वेरी इंपॉर्टेंट जो कि ऑप्शन में था। एंड हर्षवर्धना के प्लेस पे भी क्वेश्चन आ चुके हैं सेट एग्जामिनेशन में, तो इस प्लेस रत्नावली, प्रियदर्शिका एंड नागानंद। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर फाइव, कौन से किंग है और कौन से इंस्क्रिप्शन है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्ता द सेकंड, कुमारगुप्त द फर्स्ट एंड स्कंदगुप्त। सो वी हैव प्रयाग प्रशस्ति, देन वी हैव भितारी पिलर इंस्क्रिप्शन, उदयगिरी इंस्क्रिप्शन एंड मंदसौर स्टोन इंस्क्रिप्शन। तो कौन से राजा हो गए और किन के कौन से इंस्क्रिप्शन है, मैच द फॉलोइंग। सो वी हैव समुद्रगुप्त, वी हैव चंद्रगुप्त द सेकंड, कुमारगुप्त द फर्स्ट एंड स्कंदगुप्त। सो वी हैव मंदसौर शिलालेख, उदयगिरी शिलालेख, देन वी हैव भित्री शिलालेख एंड देन वी हैव प्रयाग प्रशस्ति। ऑल्सो रिमेंबर इनका जो भी कंटेंट मैटर है इन दिस इंस्क्रिप्शन, डू दैट रियली वेल, क्योंकि इंस्क्रिप्शन पे अगर आपने देखा है तो प्रॉपर ऐसे फोर लाइनर क्वेश्चन आए हैं कि इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। तो अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो डू दैट रियली वेल। एट द सेम टाइम आई होल इंस्क्रिप्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रयाग प्रशस्ति थोड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं। तो जनरली आफ्टर दैट one important thing you should know here is also ki generally kis mein kya likha hua hai, and most of you are absolutely correct, the correct answer here is a, so crack fact Reshma, then we have Jyoti, Ritika, Mirkha, Megha, Sachin, Sumitra, Somnath, Abdur, Sioli, Mausmi, Krishna, Pushpa, Sarita, Ansi, Amit, Vikas, everybody here is absolutely correct. Moving to question number 6, एक इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो मोस्टली पेपर में बहुत टाइम से आया है, इट्स बेसिकली ऋग्वेदिक नेम्स एंड मॉडर्न नेम क्या है। सो वी हैव सिंधु, देन वी हैव बेसिकली वितस्ता, देन वी हैव अस्किनी एंड पुरुषिनी, झेलम, चिन्नाब, रवि एंड इंदस। तो इनमें से कौन से इनके ऋग्वेदिक नेम्स हैं और कौन इनके मॉडर्न नेम्स हैं? विच अमंग द फॉलोइंग हियर इज एब्सोल्युटली करेक्ट? अगेन एवरीबडी वन लास्ट थ्रू रिविजन में जो भी ऋग्वेदिक अर्ली वेदिक टर्म्स हो गए वेरी इंपॉर्टेंट, डू दैट रियली वेरी वेरी वेल। जितने भी ट्राइब्स के नाम है डू दैट रियली वेरी वेरी वेल। एक बार उपनिषद्स को भी देख लीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंटली, देन देर आर क्वेश्चन ऑन पुराण्स ऑल्सो। तो ये सब लास्ट मोमेंट रिविजन में गो थ्रू इट वेरी इंपॉर्टेंटली। प्लस अगेन धर्मसूत्रास क्या होते हैं, ब्रह्मणास क्या होते हैं, कौन कौन से वेद के कौन कौन से रिसेंशंस हैं, दीज आर मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन। तो थोड़ा ऋग्वेदिक पीरियड से फैक्ट्स ज्यादा उठाने की कोशिश करिएगा, बिकॉज दैट्स मोर ट्रेंडिंग इन द पेपर एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली करेक्ट। द करेक्ट आंसर हियर इज बी। तो एंसी, दीपांशा, मेघा, वर्षना, अल्पा, अमित, देन वी हैव अंजलि, अर्पिता, खतून, सुमित्रा, रवि, सोमनाथ, संचारी, स्नेहा, जलालुद्दीन, पद्मिनी, प्रकाश एब्सोल्युटली करेक्ट, सुस्मिता करेक्ट है, रेशमा करेक्ट है। जिनका नाम छूट रहा है दैट्स जस्ट बिकॉज द चैट इज गोइंग वेरी वेरी फास्ट, ओके तो आई रियली अपोलोजाइज। ओके सो अश्वधारा एब्सोल्युटली करेक्ट।
मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7, महाजनपद और महाजनपद के कैपिटल क्या है? एक कॉमन क्वेश्चन जो मोस्टली पेपर में आता है, एक महाजनपद से क्वेश्चंस निकल जाते हैं हमारे. सो वी हैव अंग महाजनपद, देन वी आर बेसिकली मगध, वज्जी एंड मल. सो हम बात कर रहे हैं विदिहा वैशाली की, और वी टॉकिंग अबाउट चंपा और कुशीनगर या राजगीर. तो कौन से महाजनपद हो गए, कौन से कैपिटल हो गए? अपार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन, महाजनपद का जनरली ज्योग्राफिकल लोकेशन पेपर में आता है. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, हर एक महाजनपद की यूनिक फीचर क्या है, क्या स्पेशल है. दिस इज ऑल्सो वन क्वेश्चन मोस्टली कमिंग इन द पेपर. तो ये तीन एरियाज पे थोड़ा आपको ध्यान देना है, यहां से एक क्वेश्चन हमारा मोस्टली निकल जाता है. सो मोस्ट ऑफ यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. द करेक्ट आंसर हियर इज सी. सो वी हैव अल्पना, धरा, जलालुद्दीन, अब्दुल, रेनू, संति गोपाल, विंसेंट, देन वी हैव पद्मिनी, अर्पिता, दीपांशा, अश्वा, पुष्पा, संचारी, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. नैन्सी, अंजलि, रेशमा, बिल्कुल सही है. ज्योति, अमित, स्नेहा, मौसमी, वेरी गुड. मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 8, तीर्थंकर्स और इनके सिंबल्स कौन से हैं? तो वी हैव ऋषभ, वी हैव अजीतनाथ, देन वी हैव बेसिकली संभरनाथ, और वी हैव बेसिकली अभिनंदन. एंड घोड़ा, एलिफेंट, मंकी एंड बुल. तो कौन से आपके जैन तीर्थंकर हो गए और कौन सी इनकी सिंबल हो गई? ऋषभनाथ, देन वी हैव अजीतनाथ, देन वी हैव बेसिकली संभरनाथ एंड अभिनंदन. सो वी हैव घोड़ा, हाथी, बंदर, देन वी हैव बुल. विच अमंग द फॉलोइंग हियर इज करेक्ट? ओके, हमने जब ऐप सेशन किया तो आई हैव गिवन यू द लिस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स. मैंने आपको लोगों के लिस्ट भी दिए हैं और मैंने आपको इनके सिंबल्स भी दिए हैं. ऑल दोज हु हैव टेकन अ स्क्रीनशॉट, प्लीज रिवाइज इट बिफोर द एग्जामिनेशन. एंड मोस्ट ऑफ यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, सम पीपल आर रॉन्ग. जस्ट मेक श्योर कि आप उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे बिफोर द एग्जामिनेशन. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9, प्रोविंस एंड कौन से कैपिटल है? सो वी हैव उत्तरपथ, देन वेरी इंपॉर्टेंटली वी हैव अवृतराष्ट्र, हम बात कर रहे हैं प्राची की और कलिंग की. सो तक्षशिला, देन वी हैव बेसिकली तुशाली, उज्जैन एंड पाटलिपुत्र. तो कौन से हमारे प्रांत हो गए और कौन सी उनकी राजधानी है? मैच इट करेक्टली. Yes, this is actually थोड़ा common type का question है. This question you will see most of the times in the examination, most commonly asked questions as well. So these are little bit trends of the questions which will help you revise the entire syllabus. Okay, चलो. So most of you are entirely correct. So Sanchita, you are correct. Anjali, Vikas, Sanchari, Jalaluddin, Renu, Ravi, Ansi, Somnath, Amirkha, Abdul, Barsha, Sneha, Prakash, Arpita, you are absolutely correct. Correct answer here is A and sabhi sahi hain. Yes, Dhara, Ashwa, absolutely correct. Okay, chalo, perfect. Moving to question number 10. Match the list, Ashokan Rock Addicts, or basically कौन से उनके message hain. So we have Rock Addict 1, Rock Addict 2, Rock Addict 3 and Rock Addict 4. कौन सी बेसिकली रॉक एडिक्ट है जो एनिमल सैक्रिफाइसेस को प्रोहिबिट करती है? कौन सी ऐसी रॉक एडिक्ट है जो ये कहती है कि भाई ब्राह्मण्स के टुवर्ड्स लिबरल होना चाहिए? कौन सी रॉक एडिक्ट है जो ये कहती है कि भाई मेन एंड एनिमल्स के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट होना चाहिए, इसका वर्णन करती है? और कौन सी एक रॉक एडिक्ट है जो ये कहती है कि भाई एनिमल किलिंग जो है, काफी हद तक जानवरों की हत्या जो है वो रोकी गई थी? सो विच अमंग द फॉलोइंग हियर इज एब्सोल्युटली करेक्ट? ओके, ओके, एब्सोल्युटली करेक्ट. वेन एवर यू डू रॉक एडिक्ट्स, प्लीज अगेन उनका लोकेशन जो है ये बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिएगा. अगेन जनरली मॉडर्न इंस्क्रिप्शंस किस में है, किस पिलर में इंस्क्रिप्शंस नहीं है. अपार्ट फ्रॉम दैट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली एक चीज ये जरूर देख लीजिएगा, लोकेशन के अलावा पिलर इंस्क्रिप्शन है नहीं है, प्लस कौन सी बेसिकली एडिक्ट है जो कोमेमोरेटिव है, कौन सी है जो डोनेटिव है. दीज आर ऑल्सो मोस्टली आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन हॉल. सो द करेक्ट आंसर हियर इज सी. ऑल दोज हु हैव आंसर्ड सी, एब्सोल्युटली करेक्ट. तो जनरली ये वन वन लाइनर में, ज्यादा हमें डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि यही एक वन लाइन है जो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. ओके, सो मोस्टली रॉक एडिक्ट 1, ये एनिमल सैक्रिफाइस को प्रोहिबिट करते हैं. रॉक एडिक्ट 2, मोस्टली सोशल वेलफेयर को, कि मेडिकल ट्रीटमेंट्स एनिमल्स के लिए, मेन के लिए, रोड कंस्ट्रक्शन. रॉक एडिक्ट 3, कि यू शुड बी लिबरल टुवर्ड्स ब्राह्मण्स. एंड रॉक एडिक्ट 4 जो है, ये स्पेशली कमेंट करता है ऑन द पॉलिसी ऑफ धम्मा, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली कि मोस्टली एनिमल किलिंग स्टॉप हो गया था, एंड हाउ यू शुड बिहेव वेरी गुड टू योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड एवरीबॉडी. Moving to question number 11, which of the following is the correct definition of pravana in Buddhism? So basically, pravana in Buddhism mein jo word hai, iska correct definition kya hai? It includes serious offenses. Ye kuch offenses include karte hain, jisse aap basically sang se bahar nikal jao, exclude ho jao. Maybe it's that, some faults which you should not do. Ya basically ye hai ki aap ghar se
डिटर्मिनेशन कि भाई आप वर्ल्ड दुनिया को रिनाउंस कर रहे हैं और आप एक एसेटिक पार्ट ले रहे हैं, मे बी इट्स दैट रिनाउंसिएशन फ्रॉम द हाउस, या ये बेसिकली एक बुद्धिस्ट होली डे है जो सेलिब्रेट होता है फुल मून में ऑफ द लूनार मंथ, या ये बेसिकली ऑर्डिनेशन सेरेमनी. ऑर्डिनेशन सेरेमनी क्या होता है, जब आप प्रॉपर इनके संघ के फुल फ्लेजेड मेंबर जो है वो बन जाते हैं. सो विच अमंग द फॉलोइंग हियर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, इसका टेक्निकली टर्म का मतलब क्या है. तो बुद्धिस्ट टर्म्स पे थोड़े क्वेश्चन आते हैं और यू कैन गेट अ मैच द फॉलोइंग ऑल्सो इन द टर्म्स. सो प्लीज मेक श्योर यू डू दैट रियली वेरी वेरी वेल. ठीक है, सो वॉट डज दिस मीन, एंड मोस्ट ऑफ यू आर राइट, सम ऑफ यू आर रॉन्ग. सो प्लीज एक बार ये टर्म्स जनरली देख लीजिएगा फॉर द एग्जामिनेशन. Okay, so moving forward to the answer here, the correct answer here is C, and all those who have answered C, absolutely correct. Generally, बस याद रखिएगा, प्रवर्ना होता है बुद्धिस्ट होली डे जो कि सेलिब्रेट होता है फुल मून में ऑफ द लूना मंथ. देन वी हैव प्रवराज्य, ये होता है कि आप घर से निकल के प्रॉपर वर्ल्ड को रिनाउंस कर रहे हैं. एंड देन वी हैव पराजिका, ये है कि ऐसे कुछ ऑफेंसेस जो आपको नहीं करने चाहिए जिसकी वजह से आप संघ से बाहर निकल सकते हैं. एंड वी हैव बेसिकली उपसमदा, ये ऑर्डिनेशन सेरेमनी जब आप फुल फ्लेजेड संघ के मेंबर जो है वो बन जाते हैं. ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट वॉज बेसिकली गड्यान. तो बेसिकली गड्यान जो है ये क्या है, ये कॉपर कॉइन है, गोल्ड कॉइन है, ये कॉरी शेल के लिए दूसरा नाम है, या ये बेसिकली एक सिल्वर कॉइन है. विच अमंग द फॉलोइंग हियर इज करेक्ट. वॉट वॉज बेसिकली द गद्यान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या है, कॉपर कॉइन है, गोल्ड कॉइन है, कॉरी शेल जो मोस्टली हम एक्सचेंज के लिए यूज कर सकते थे वो है, या ये बेसिकली सिल्वर कॉइन है. Okay, generally remember the correct answer here is B, it's technically a gold coin. So गद्यान जो है ये गोल्ड कॉइन है मोस्टली, एंड ये स्पेशली आप देखोगे किसी किसी बुक में गद्यान लिखा हुआ है. इट इज जनरली 48 रत्तीज इन वेट, एंड कहा जाता था जो चालुक्याज और बाद में है ये गोल्ड गद्यान जो है ये इश्यू करती थी. तो टेक्निकली इट इज अ गोल्ड कॉइन. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 13, नलियरा दिव्य प्रबंधन जो है ये किसको बिलोंग करता है, किससे संबंधित है, ये तांत्रिक बुद्धिज्म से, तांत्रिक जैनिज्म से, शैविज्म से, या वैष्णविज्म से. सो विच अमंग द फॉलोइंग इज दिस एसोसिएटेड विद. अगेन जितने भी हमारे बुद्धिस्ट सेक्ट्स हो गए ये आप एक बार बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिएगा फॉर एग्जामिनेशन, एंड स्पेशली कौन इस सेक्ट्स को जनरली बिलोंग करते हैं, डू दैट रियली वेरी वेरी वेल. ओके, एंड जो बोधिसत्वा की हमने क्लासेस की थी प्लीज एक बार उसको भी रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि फ्यूचर बुद्धा पे यूपीएससी पे भी क्वेश्चन आ चुका है, नेट पे भी क्वेश्चन आ चुका है. सो इट्स मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन जनरली इन द एग्जामिनेशन, एंड द करेक्ट आंसर हियर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, वैष्णविज्म. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 14, तो बेसिकली जो जीन सेन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फेमस जैन विद्वान है, वो ऑथर थे आदि पुराण के, और ये बेसिकली किसके दरबार में थे, आपके पाला रूलर देवपाल के दरबार में थे, राष्ट्रकूटा शासक बेसिकली अमोघवर्ष के रूल में है, या ये प्रतिहारा रूलर मिहिर भोजा के कोर्ट में है, या ये सोलंकी रूलर कुमारपाल के कोर्ट में है. सो जीन सेन जो कि बहुत ही प्रसिद्ध जैन विद्वान है और आदि पुराण के लेखक हैं, ये किसके दरबार को बिलोंग करते हैं. Okay, so most of you are absolutely correct. The correct answer here is B. So Sanchari, you are absolutely correct. Yes, Rabi, बिल्कुल सही है. राष्ट्रकूटा रूलर अमोघवर्ष. तो ये एक बहुत ही commonly asked question है कि कौन सा court poet किस important ruler को belong करता है. Also इनके contemporaries क्या हैं? क्योंकि ये भी बहुत ही commonly asked previous year question है. So one last through revision, please make sure you do all of them. क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन से राइटर्स हैं जिन्होंने राष्ट्रकूट एम्पायर के बारे में काफी एक्सटेंसिवली लिखा है, काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको बहुत ही विस्तृत तरीके से देते हैं. हम बात कर रहे हैं अलमसुंदी की, हम बात कर रहे हैं इब्न बतूता की, और वी टॉकिंग अबाउट फरीद शिदयाक या अब्दुल रजक. तो इनमें से कौन राइटर्स हैं हु हैज रिटन इन प्रॉपर डिटेल, बहुत ही विस्तृत तरीके से, अबाउट द सोसाइटी ऑफ द राष्ट्रकूट एम्पायर. Everybody, you have to increase that energy level. अभी तो जब डेट आएगा तो हम 50 questions marathon, 100 questions marathon करेंगे in the session. So you just keep on revising the syllabus. We will give you lot of interesting sessions. एक बार बस डेट आ जाए और हमें क्लैरिटी हो जाए कि हिस्ट्री का एग्जामिनेशन कब है, देन आई एम गोइंग टू पुट लॉट ऑफ 100 question sessions. So don't worry about that. We'll have lot of mega marathon. कि आपका एक last moment quick revision हो जाए. And most of you are absolutely correct. The correct answer is Al-Masudi. So we have वर्षा, कृष्णा, सुष्मिता, सोमनाथ, ज्योति, नैन्सी, सरिता, रेशमा, अर्पिता, अमिरखा, पुष्पा, सुप्रिया, धरा, अल्पना, जलालुद्दीन, एंसी, अब्दुल, रेशमा, रितिका, इंद्रजीत, रवि, प्रकाश, स्नेहा, तस्लीमा, मौसमी. एब्सोल्युटली करेक्ट. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 16,
टाइटल पे क्वेश्चंस एनटीए का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, या तो गुप्ता डायनेस्टी के टाइटल्स या तो दूसरे रीजनल डायनेस्टी के टाइटल्स। इनमें से कौन से ऐसे टाइटल हैं जो कि समुद्रगुप्त ने अडॉप्ट नहीं किया है? सो वी हैव बेसिकली पराक्रम, हम बात कर रहे हैं अपरात्रा की, हम बात कर रहे हैं व्याग पराक्रम और बेसिकली परम भागवत। सो इनमें से कौन से ऐसे उपाधि हैं, टाइटल्स हैं जो समुद्रगुप्ता ने धारण नहीं की थी? एंड जनरली एवरीबडी वेन एवर यू डू रीजनल डायनेस्टीज प्लीज मेक श्योर आप टाइटल्स बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं। इनफैक्ट आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू रीजनल डायनेस्टी में बहुत सारे रूलर्स हैं जो दो अलग अलग इंस्क्रिप्शन प्रोड्यूस करेंगे और दोनों इंस्क्रिप्शन में दो अलग अलग टाइटल रहेंगे। सो देयर आर मल्टीपल टाइटल्स जब आप प्रॉपरली पोस्ट गुप्ता डायनेस्टी स्पेसिफिकली पढ़ते हैं, वहां पे भी लोग अपने आपको महाराज अधिराज बुलाते हैं, वहां पे भी लोग अपने आपको महाराज बुलाते हैं, वहां पे भी लोग अपने आपको अधिराज बुलाते हैं। सो देयर इज अ सम काइंड ऑफ अ कॉमन क्वेश्चन लाइक दिस, अपार्ट फ्रॉम गुप्ता बाकी रूलर्स भी हैं जो सेम टाइटल ले रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। सो यू जस्ट बी लिटिल केयरफुल स्पेशली इन पोस्ट गुप्ता डायनेस्टीज क्योंकि वहां पे आपको ज्यादा फैक्ट्स मिलेंगे। एब्सोल्युटली करेक्ट, द करेक्ट आंसर हियर इज डी परम भागवत, वेरी गुड। ओके मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन है जिन्होंने मोस्टली एंशियंट टाइम पीरियड में जो ट्रेड इन सिल्क है उसको मोनोपोलाइज किया था? सो प्राचीन काल में जो रेशम का व्यापार है इनमें से कौन है जिन्होंने इसको मोनोपोलाइज किया था? चाइनीज, अरब्स, पर्शियन या सिन्हली, हु अमंग द फॉलोइंग हियर इज करेक्ट? सी आई विल टेल यू एग्जामिनेशन कब होगी। सी राइट नाउ नोबडी नोज एग्जामिनेशन कब होगी, ठीक है। फ्रेंकली स्पीकिंग सब कुछ स्पेकुलेशन पे बेस्ड है। आप सेकेंड वीक जून का टारगेट लेके चलिए, अगर सेकेंड वीक जून होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो आपको एक वीक दो वीक में भी एग्जामिनेशन डिले हो जाए मे बी। सो राइट नाउ लेट्स नॉट गो फॉर स्पेकुलेशन, आप अपना टारगेट लेके चलो सेकेंड वीक जून। और आप जो वॉर फुटिंग में जो हम प्रिपरेशन करते हैं ना 10 दिन पहले, वो वॉर फुटिंग में आप प्रिपरेशन चालू रखिए। इनकेस आपको एक वीक दो वीक एक्स्ट्रा मिल जाता है, अगर जून एंड में भी होता है या जुलाई में भी होता है तो आपको एक दो वीक ही एक्स्ट्रा मिलेगा। सो देन यू कैन अनदर डू सेकंड थर्ड रिवीजन प्रॉपरली। आप सेकंड वीक टारगेट लेकर ही रखिए और एक वॉर फुटिंग में पूरा का पूरा सिलेबस जो है ये रिवीजन आप कंप्लीट करके बैठ जाइए। इन केस देयर इज अ एक्सटेंडेड डेट तो गुड फॉर यू ना, आप एक बार और रन थ्रू रिवीजन ट्वाइस थ्राइस कर सकते हैं, आप मोर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो यू शुड नॉट गो फॉर स्पेकुलेशन हियर, ओके। And most of you are basically correct and incorrect. The correct answer here basically is C, Persians. And moving forward to question number 18. Gupta time period में बहुत सारे ऐसे inscriptions हैं जो हमें land ownership, land grants, किसके बीच में क्या झगड़ा हो रहा है इस समय, कैसे land divisions होता था, इसके बारे में बहुत सारे inscriptions हैं जिन्होंने हमें evidences दिए। Which is one of the most important inscription जो एक proper decisive evidence है land ownership का, very importantly by the state. Which among the following here is correct? अलाहाबाद प्रशस्ति, भितारी प्रशस्ति, पहाड़पुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन और जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन। इसमें एक ऐसी इंस्क्रिप्शन, देखो ऑलवेज लुक एट द वर्डिंग्स ऑफ द क्वेश्चन। एक बार बहुत पहले एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस जो काफी बार रिपीट होता है, एक आया था आपको क्वेश्चन इन द प्रीवियस ईयर कि इनमें से कौन है जो गुप्ता पीरियड के बारे में आपको सबसे ज्यादा मोस्ट यूजफुल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। इन दिस क्वेश्चन ऑल दी फोर जो नाम थे वो गुप्ता डायनेस्टी के ही थे। सो समटाइम्स यू हैव टू लुक एट द वर्ड्स विच आर मेंशन्ड। यहाँ पे जो ट्रिक वर्ड है वो डेसिसिव है कि भाई कौन सी ऐसी इंस्क्रिप्शन है जिसको देख के यू आर एग्जैक्टली श्योर कि भाई ये इंस्क्रिप्शन एक्सक्लूसिव ओनरशिप ऑफ द लैंड के बारे में बात कर रही है। तो ऐसे क्वेश्चन में यू डोंट हैव टू बी कंफ्यूज क्योंकि ऑप्शन सेम टाइम पीरियड के रहेंगे, इंस्क्रिप्शन सेम टाइम पीरियड के रहेंगे, बट देर आर सर्टन स्पेसिफिकिटीज ऑफ ईच इंस्क्रिप्शन जो एक को दूसरे से बहुत यूनिक करते हैं और उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ाते हैं। तो व्हेनेवर देयर इज दैट काइंड ऑफ अ वर्ड जस्ट पे लिटिल बिट अटेंशन विद दिस वर्ड एंड द करेक्ट आंसर हियर इज सी पहाड़पुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। एट द सेम टाइम हर एक इंस्क्रिप्शन में क्या लिखी हुई है पूरा लाइंस नहीं रटने बट जस्ट पिक अप द कीवर्ड्स सो दैट यहां पे अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो यू एग्जैक्टली नो कि इस इंस्क्रिप्शन में जनरली क्या मेंशनड है। एंड अगर फैक्ट्स है कोई रूलर्स है तो उनकी डायनेस्टीज, उनका क्रोनोलॉजी, ये सब आप एक बार देख लीजिएगा क्योंकि मोस्टली इस जगह से क्वेश्चंस निकलते हैं। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 19, द फायर ऑल्टर्स फाउंड एट हरप्पन साइट मोस्टली यहाँ पे कहाँ है, जो कि एक बहुत ही रिलीजियस सिग्निफिकेंस हमें देते हैं कि भाई कुछ कम्युनिटी इवेंट जो है ये शायद इस टाइम पीरियड में हो रहा होगा। हम बात कर रहे हैं कुंतासी की और कालीबंगान और सुरकोतरा और मदीना। विच अमंग द फॉलोइंग हियर इज करेक्ट? हरप्पन स्थल में कौन सी एक ऐसी साइट है जिसके हवन कुंड को देख के, फायर ऑल्टर को देख के स्पेशली हमें ये रियलाइज होता है कि भाई ये कुछ स्पेशल सिग्निफिकेंस है, कोई सामुदायिक आयोजन को ये डिपिक्ट कर रहे हैं।
अच्छा ऑल्सो एवरीबडी डिड यू सी द क्वेश्चन सीरीज. जब हमने अभी हिस्ट्री का क्वेश्चन सीरीज शुरू किया है तो मैंने आपको सबसे पहला वीडियो दिया था सुरकोतरा पे, ऑल दोज हु हैव स्टडीड. तब आप मुझे ये बताइए, अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पोस्ट एंड यस शॉटुगाई के साथ साथ सुरकोतरा इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो अपार्ट फ्रॉम बींग ट्रेडिंग पोस्ट शॉटुगाई, सुरकोतरा जनरली क्यों इंपॉर्टेंट है अपार्ट फ्रॉम चलो हॉर्स रिमेन्स? व्हाई इज दिस जनरली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल? थोड़े जो साइट्स हैं, साइट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ही कॉमनली आ रहे हैं, तो सुरकोतरा हो गया, देन वी हैव बेसिकली शिखरपुर जो साइट हो गई हमारी, देन वी हैव शॉटुगाई हो गई, ये सब कुछ मेजर साइट्स हैं. इन जस्ट 2 to 3 पॉइंट्स मेक श्योर दैट यू आर डूइंग इट वेरी वेरी वेल. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर हियर इज बी एंड मोस्ट ऑफ यू हैव सेड इट बी. तो कहां पे हमें साइन बोर्ड मिला, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है. आजकल ऐसे ही वन लाइनर क्वेश्चंस बहुत चल रहे हैं साइड बेस्ड, बट बहुत टाइम से ओरिजिन डिक्लाइन थ्योरी नहीं आया है, तो प्लीज ये सब आप बहुत अच्छी तरीके से एक बार देख लीजिएगा अपार्ट फ्रॉम व्हाट्स ट्रेंडिंग इन द पेपर. ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 20, जो कि फेवरेट क्वेश्चन होना चाहिए अब आपका सीइंग द पेपर. ऑथर एंड भाई कौन से किताबें हैं? सो वी हैव बी एम बरुआ, बी एन मुखर्जी, निरंजन रे एंड रोमिला थापर. ठीक है, दीज आर सम मोस्ट इंपॉर्टेंट एंशियंट इंडियन बुक्स. किसने लिखा है अशोका एंड हिज टाइम्स? किसने लिखा है अशोका एंड डिक्लाइन ऑफ मौर्य? किसने लिखा है स्टडीज इन द अरेमिक एडिक्ट ऑफ अशोका? एंड इनमें से किसने लिखा है मौर्य एंड पोस्ट मौर्यन आर्ट, अ स्टडी इन सोशल एंड फॉर्मल कॉन्टैक्ट? तो ये ऑथर्स एंड बुक लिस्ट है. देर आर 2-3 विच यू शुड नो. रोमिला थापर की किताब आपको जनरली पता होनी चाहिए बिकॉज आपने कॉलेज टाइम पीरियड में भी पढ़ा होगा, एंड मोस्टली जब हम मौर्यन पीरियड पढ़ते हैं तो इनके किताब में बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं विच वी यूज जनरली इन अ नोट्स एज वेल. सो विच वन द फॉलोइंग हियर इज करेक्ट एवरीबडी? ज्योति दिख नहीं रहा है तो मैं बता देती हूँ, मे बी इसका फॉन्ट थोड़ा छोटा है. सो वी हैव बी एम बरुआ, वी हैव बी एन मुखर्जी, निरंजन रे, रोमिला ठाकुर. किसने लिखा है अशोका एंड हिज टाइम्स? किसने लिखा है अशोका एंड डिक्लाइन ऑफ मौर्य? स्टडीज इन द अरेमिक एडिक्ट ऑफ अशोका? किसने लिखा है मौर्य एंड पोस्ट मौर्यन आर्ट? बुक्स एंड ऑथर्स सचिन, दे आर नेवर गोइंग टू लीव यू. ठीक है, क्योंकि बुक्स एंड ऑथर्स आप हिस्ट्री में देखो, हिस्टोरियोग्राफिकल सेक्शन हो गया, कितनी बार तो पेपर शुरू ही बुक्स एंड ऑथर्स से होता है. ओके, सो दिस इज वन थिंग. इनफैक्ट अगर आप सेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो वहां भी बुक्स एंड ऑथर्स भर भर के आते हैं. सो देर इज नो एग्जामिनेशन जहां से बुक्स एंड ऑथर्स से आपको छुटकारा मिलेगा, फ्रेंकली सीइंग द ट्रेंड्स ऑफ द पेपर इन नेट एंड सेट. सो रादर यू शुड डू फ्रेंडशिप विद दिस टॉपिक, एंड जो भी मेजर मेजर किताब है वो थोड़ा रिटेन करना है. सेट एग्जामिनेशन में बहुत सारे वन लाइनर क्वेश्चन है सिर्फ और सिर्फ बुक्स एंड ऑथर्स पे, मोस्टली वो थोड़ा इंडिपेंडेंस और मॉडर्न के बारे में भी पूछते हैं. ओके, सो द करेक्ट आंसर हियर इज डी. सो ऑल दोज हु हैव आंसर्ड डी हियर, यू आर एब्सोल्युटली करेक्टली. बी एंड डी में जिसको कंफ्यूजन है, डी इज बेसिकली द करेक्ट आंसर. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से कौन है जिनको शिलादित्य भी कहा जाता है? सो हु वाज बेसिकली कॉल्ड शिलादित्य? हर्षा, कनिष्का, खरावेल और पुलकेशिन द सेकंड. सो इनमें से कौन है जिसे शिलादित्य भी कहा जाता है? ओके, सो लास्ट 10 सेट ऑफ क्वेश्चंस एवरीबॉडी. कल हम लोग मॉडर्न का मेगा मैराथन करेंगे, तो कोशिश करिएगा आप 3 बजे शार्प ज्वाइन कर लीजिएगा, सो दैट वी डोंट वेस्ट एनी टाइम. आपका टाइम अभी बहुत क्रूशियल है, जितना समय हो सके प्लीज जस्ट इन्वेस्ट इन स्टडिंग एंड रिविजन, एंड ऑल्सो रिलैक्सेशन भी जरूरी है एंड हेल्थ सबसे पहले. ओके ओके, सो करेक्ट आंसर हियर इज एब्सोल्युटली ए. तो जो डी कह रहे हैं गाइस, दिस इज वन ऑफ द वेरी इजीएस्ट क्वेश्चन, तो थोड़ा आप एक बार टाइटल जरूर देख लीजिएगा. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से कौन से तमिल पोएट हैं जो कि नंदा एंड मौर्यास के बारे में रेफर करते हैं अपनी किताब में, अपने वर्क में इनका वर्णन करते हैं? सो हु आर वी टॉकिंग अबाउट? हम बात करें अलेंगो अडिल्ला की, हम बात करें बेसिकली संतानार की, और वेरी इंपॉर्टेंटली मामुलार की, और वेरी इंपॉर्टेंट कपिलार की. सो हु अमंग द फॉलोइंग इज द तमिल पोएट विच मेक्स अ रेफरेंस टू नंदा एंड मौर्य इन हिज वर्क? तो इनमें से कौन से तमिल कवि हैं जो अपने कृतियों में नंद और मौर्य का वर्णन करते हैं? ओके, बुक्स एंड ऑथर्स आर योर स्ट्रेंथ, सो वेरी गुड, यू शुड लव दीज टॉपिक्स. अब जैसे हिस्टोरियोग्राफी, हिस्टोरियोग्राफी आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम द पेपर वेन एवर यू गो फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यूज, हिस्टोरियोग्राफी के क्वेश्चन इंटरव्यूज में हमेशा पूछे जाते हैं. सो यू हैव टू लाइक हिस्टोरियोग्राफी इवन इफ यू डोंट लाइक इट. तो ये सब कुछ टॉपिक्स हैं जो इंटरव्यूज में भी मदद करते हैं. ओके, बिकॉज वहां पर सबको पता है कि आपने नेट क्लियर किया है, तो आपको बेसिक फैक्ट्स पता है. तो इन द इंटरव्यूज दे विल मोस्टली आस्क यू टू सी कि आपको जनरल सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग कितनी है, एंड सबसे पहला क्वेश्चन मोस्टली हिस्टोरियोग्राफी से ही शुरू होता है. ओके, चलिए
So yes, most of you are absolutely correct. In fact, the previous year question, absolutely, so Arpita remembers this. Okay, so the correct answer here is C, absolutely right. Moving to question number 23. Sun temple of Modhera, jo hai, ye basically kisne built kiya hai? So we are talking about Vallabhraj, Raja Bhimdev the first, जयसिंह सिद्धराज और बेसिकली दुर्लभराज. ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी आप टेम्पल्स पढ़ते हैं और आप लास्ट रन थ्रू रिविजन कर रहे हैं तो नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल हो गया, द्राविड़ा स्टाइल ऑफ टेम्पल, इनके फीचर्स, इनके जो भी रीजनल वेरिएशन है. नागरा स्टाइल एक अम्ब्रेला टर्म है, अलग अलग रीजन में कुछ अलग अलग मॉडिफिकेशन है, तो वो टर्म क्या है, क्या स्पेसिफिकली उस मॉडिफिकेशन का मतलब है, किस जगह पे है, डू दैट रियली वेरी वेल. अपार्ट फ्रॉम दैट टेम्पल पे थ्योरी क्वेश्चन भी आ चुका है जहां पे दे विल गिव यू फोर पॉइंट and they will tell you कि क्या incorrect है, क्या incorrect नहीं है. So you should know little bit temples का थोड़ा detail. Apart from that, एक बहुत ही common previous year question है कि इनमें से कौन सी temple है जो पल्लवाज ने बनाई है, कौन सी temple है जो गुप्ता period की है, brick temple कौन सी है, stone temple कौन सी है. Plus किसी किसी time temple में chronology questions भी आते हैं. So whenever you study temples generally, please make sure you know that. Plus इनकी location also very important. Medieval India हो गए तो उसके monuments again कहाँ पे वो located है. These are very common there. टर्म्स हो गए, ये सब आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा. ओके ओके, सो मोस्ट ऑफ यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. करेक्ट आंसर हियर इज बी, एंड सारे लोगों ने बी कहा है, वेरी गुड. एक पूरा का पूरा सेशन भी करेंगे हम टेम्पल्स पे इन यूट्यूब ओनली नाउ, अभी बिफोर एग्जामिनेशन, जब आप पूरी फुल फ्लेज्ड तरीके से प्रिपेयर है तो लास्ट मोमेंट यू कैन जस्ट चेक योर प्रिपरेशन. सो इनमें से कौन से पांडियन रूलर्स हैं जिनको ये कहा गया है, दैट इज अयपदाई, कांदा, नेदुनचलियान, ये किसको कहा गया है? वी आर टॉकिंग अबाउट मारवन अवनी सुलमन, या हम बात करें नेदुन चलियान की, और वी आर टॉकिंग अबाउट वर्गुन वर्मन द फर्स्ट सेकंड, और हम बात करें परंटक वीर नारायण की. तो इनमें से कौन से आपके पांडियन रूलर हैं हु हैड दिस टाइटल, अर्पदाय, कंदांत, नेदुन चलियान, विच अमंग द फॉलोइंग हियर इज करेक्ट? ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीबडी, हमने बहुत सारे आर्किटेक्चर अपने ऐप सेशंस में भी किया था. सो ऑल दोज हु आर रेगुलरली अटेंडिंग द 11 एएम ऐप सेशंस, जो भी हमने टेंपल्स, आर्किटेक्चर, सोर्सेस की क्लासेस इतने टाइम से कर रखी है, आई होप यू हैव नोटेड इट समवेयर. प्लीज उनको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि हमने टेम्पल्स पे पूरा पूरा क्लास किया है, इंस्क्रिप्शन भी किया है, मल्टीपल टाइम्स आर्किटेक्चर किए हैं. सो प्लीज रिवाइज ऑल दैट विच वी हैव बीन डूइंग थ्रू फॉर द पास्ट 3-4 months. ओके, ये तो इजी क्वेश्चन है, वैसे इनका नाम ही यही है नेदुन चलियान. सो दिस इज दिस एंटायर, आपको टेक्निकली क्वेश्चन में ही नाम दिया गया था. सो बेसिकली अर्पदाय, कादंत, नेदुन चलियान इज टेक्निकली द टाइटल ऑफ नेदुन चलियान ओनली. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 25. कौन ऑथर है ऑफ पेरुमल तिरुमलाई इन तमिल एंड वेरी इंपॉर्टेंट मुकुंदमाला इन संस्कृत? तो पहले तो इनका लैंग्वेज आप याद रखिएगा. ओके, मोस्टली एलिमिनेशन में आप देखोगे बुक्स और उनकी लैंग्वेजेस काफी हेल्प करते हैं. सो हु इज द ऑथर ऑफ बेसिकली पेरुमल तिरुमलाई इन तमिल एंड मुकुंदमाला इन संस्कृत? सो ए, वी आर टॉकिंग अबाउट पोगई अलवार, बी पे अलवार, सी वेरी इंपॉर्टेंट मधुर कवि अलवार, या डी कुलशेखर अलवार? ऑल्सो प्लीज कीप नोटिंग योर स्कोर्स, सेशन के बाद आप जरूर स्कोर्स बताइएगा कि 30 क्वेश्चंस में आपके कितने सही हो रहे हैं. सच्चता तो लोग शॉर्ट फॉर्म यूज करते थे ना, इफ यू आर नॉट प्रेजिंग द रूलर यू यूज द शॉर्ट फॉर्म, अभी कैसे आपके नाम का भी शॉर्ट फॉर्म होगा? ओके, मोस्ट ऑफ यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. द करेक्ट आंसर हियर इज डी, विच इज कुलशेखर, बिल्कुल सही है. मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 26. इनमें से किसके रूल के टाइम पीरियड में कन्हैया यूनिवर्सिटी जो है ये बहुत ज्यादा लोकप्रिय और पॉपुलर हो जाती है? सो ड्यूरिंग किस वंश के शासनकाल में कन्हैया विश्वविद्यालय जो है ये बहुत लोकप्रिय हुआ? राष्ट्रकूटास, चोलास, चालुक्यास, या पल्लवास? विच अमंग द फॉलोइंग हियर इज करेक्ट? अगेन, यूनिवर्सिटीज पे भी हमने क्लास की है, या यूट्यूब पे भी हमारा ये सेशन है, इंपॉर्टेंट एंशियंट इंडियन यूनिवर्सिटीज, कितने लोग उस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, कौन कौन पढ़े हैं, व्हाट इज द टाइम पीरियड, वो यूनिवर्सिटी स्पेसिफिकली पढ़ाती क्या है, ये जनरली आप देखोगे पेपर वन प्लस पेपर टू हिस्ट्री दोनों के लिए इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कॉमन है. तो जिन्होंने आज पहली बार सेशन ज्वाइन किया है, आप एक बार हमारे यूनिवर्सिटी के सेशन जस्ट टाइप एंशियंट इंडियन यूनिवर्सिटी, आपको वो सेशन दिख जाएगा. वर्ड टू वर्ड मत पढ़िएगा सेशन, बट जस्ट पिकअप द इंपॉर्टेंट की पॉइंटर्स, ओके, एंड जस्ट गो थ्रू बिफोर एग्जामिनेशन, क्योंकि आप देखोगे इस पे क्रोनोलॉजी क्वेश्चन भी एक बार प्रीवियस ईयर में आ चुका है, प्लस सेट एग्जामिनेशन में भी ये सेक्शन से काफी कॉमनली क्वेश्चन जो है ये आता है. ओके, सो द करेक्ट आंसर हियर इज ए. सो रितिका, जलालुद्दीन, अमिर खा, धरा, अल्पना, रेशमा, संती गोपाल, रिमी, विकास, ओके, अमित, पुष्पा, सयक, सचिन, सोमनाथ, रेशमा, सुष्मिता, अर्पिता, इंद्रजीत, स्नेहा, अंजलि,
रिया अब्दुल ज्योति मेघना संचिता प्रकाश संचारी ओके देन वी हैव अभिषेक अश्वा रेनू रवि हिना रेशमा नैन्सी एब्सोल्युटली करेक्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 27 इनमें से कौन है जो कनिष्का की कंटेम्प्रेरीज थे दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि चाहे मिडिवल इंडिया हो चाहे एंशियंट इंडिया हो कंटेम्प्रेरीज पे हमेशा क्वेश्चन आते हैं किसी सूफी सेंट और रूलर्स के बारे में आ जाएगा कौन किसका कंटेम्प्रेरी है और एंशियंट इंडिया में भी हमेशा आता है कि कौन किसके कंटेम्प्रेरी है समकालीन है सो इनमें से कनिष्का के कंटेम्प्रेरीज कौन है सो हम बात कर रहे हैं ए नागार्जुन अश्वघोष वासुमित्र की बी कंबन बाणभट्ट अश्वघोष सी अश्वघोष कालिदास बाणभट्ट डी कालिदास कंबन वासुमित्र सो हु अमंग द फॉलोइंग इज द कंटेम्प्ररी ऑफ कनिष्का ओके सो सयक धरा अंजलि संचिता अमित अर्पिता अमिरखा सचिन वर्षा अभिषेक यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट देन वी हैव अल्पना दीपांशा रेशमा सोमनाथ ज्योति सुष्मिता सुप्रिया एवरीबडी हियर इज करेक्ट एंड वेरी गुड संचिता कृष्णा रेशमा टूना नैन्सी दोनों ही इंपॉर्टेंट है ओके बट ऑब्वियसली इन द पेड सेशंस आपका पूरा पूरा कोर्स चलता है सो यू आर गोइंग टू डू ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली एज पर द सिलेबस एंड जो भी आपकी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं आर्टिकल्स आपके स्टडी नोट्स उससे फ्रेम होते हैं सो बोथ द सेशंस आर इक्वली इंपॉर्टेंट इन बोथ एस्पेक्ट्स ओके बट वहां पर हम पूरा का पूरा कोर्स करते हैं तो वो एक टोटली डिफरेंट ही सिनेरियो हो गया ओके ओके सो एब्सोल्युटली करेक्ट द करेक्ट आंसर हियर इज ए आप इसको एलिमिनेशन के थ्रू भी सॉल्व कर सकते थे एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव एक्चुअली सॉल्व इट थ्रू एलिमिनेशन ये एक टाइप का क्वेश्चन है जो मोस्टली पेपर में आ सकता है कौन किसके कंटेम्प्रेरीज है चाहे एंशियंट हो या मिडीवल हो सो वंस यू स्टडी यू बी अ लिटिल बिट मोर केयरफुल सो वी हैव नागार्जुन अश्वघोष एंड वासुमित्र दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन नागार्जुन कौन थे महायान फिलोसफर अश्वघोष जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सबको पता है पोएट भी थे म्यूजिशियन भी थे मॉन्क भी थे वासुमित्र बुद्धिस्ट मॉन्क जो कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में प्रिसाइड किए थे ये सारे कनिष्का के कंटेम्प्रेरीज हैं मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 28 कौन सी एंशियंट सिटी है और कौन सा लोकेशन है दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन जो मोस्टली पेपर में आता है सो वी हैव बेसिकली पुष्कलावती हम बात कर रहे हैं शाकल की और ताम्रलिप्ति और विजयपुरी और इनका प्रेजेंट लोकेशन विच इज चरसद्दा विच इज बेसिकली सियालकोट विच इज ताम्लुक एंड विच इज धरनीकोट सो कौन सी एंशियंट सिटी है और कौन से लोकेशन है विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड टेक्निकली विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड एक इसमें पैर है जो कि गलत है और सबसे सेविंग ग्रेस क्या है कि इस क्वेश्चन में 1 एंड 2, 2 एंड 3 कोड्स नहीं है तो अगर आपको जरा सा भी हिंट है कि भाई ये सही है तो ऑटोमेटिकली विल सी दीज क्वेश्चंस आर लिटिल बिट इजियर टू टैकल ओके सो इन द 20th क्वेश्चन वी हैव संचिरा ओके सो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग दिस टाइम ओके ओके सो सुस्मिता यू आर करेक्ट रेनू करेक्ट है पुष्पा पद्मिनी सुप्रिया रिमी संचारी देन वी हैव रेशमा अभिषेक रावि स्नेहा अश्वा वर्षा दीपांशा संचिता अब्दुल अमित ज्योति लाजवंती वाई आर यू सैड ओके अल्पना हीना सोमनाथ एब्सोल्युटली करेक्ट सचिन जलालुद्दीन सुप्रिया करेक्ट है देन वी हैव अमरिका करेक्ट है प्रकाश इंद्रजीत अर्पिता सरिता एब्सोल्युटली करेक्ट ओके सो थसलीमा सयक रेशमा जीआरएफ रिया वेरी गुड नेम देन वी हैव रमनदीप करेक्ट है कृष्णा संती गोपाल सुप्रिया एब्सोल्युटली करेक्ट ओके सो वी हैव लाजवंती मामोनी एब्सोल्युटली करेक्ट सो द इनकरेक्ट पेयर हियर इज डियर मुझे लगता है सारे लोगों ने सही आंसर दिया है मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 29 द सेकंड लास्ट क्वेश्चन फॉर द सेशन ये वैसे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि मनहर और बेसिकली मंदसार ये जो स्ट्रीम्स हैं ये किस साइट में मिले हैं ढोलावीरा में मिला है ये बेसिकली मिला है भिराना में मांडा में और सुरकोतड़ा में सो जब आप जनरली साइट्स पढ़ते हैं तो थोड़ा ज्योग्राफिकल लोकेशन की ईस्ट में क्या है वेस्ट में क्या है कौन से स्ट्रीम्स हैं सो दिस इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विच अमंग द फॉलोइंग हियर इज करेक्ट ओके सो संचारी इज एब्सोल्युटली करेक्ट देन वी हैव संचिता सही है देन वी हैव हीना हुज करेक्ट सुस्मिता हुज करेक्ट ओके अश्वा सचिन पद्मिनी लोग आपस में बात करो ओके रेनू प्रकाश संचिता रितिका एब्सोल्युटली करेक्ट है ठीक है पुष्पा ज्योति रिमी अर्पिता रेशमा वर्षा अमिर सुप्रिया सोमनाथ सया कल्पना द रेनबो देन वी हैव रमनदीप अंजलि अमिरखा प्रधान रवि वीरेंद्र कृष्णा सरिता जियारफ रिया मेघा इंद्रजीत संती गोपाल ओके एब्सोल्युटली करेक्ट द करेक्ट आंसर हियर इज ए ढोलावीरा एंड मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर द सेशन इनमें से क्या है जो सबसे बेस्ट डिस्क्राइब करता है द टर्म विच इज इटोटोका ये बहुत ही कॉमनली सेट में आस्क्ड क्वेश्चन है जनरली विच अमंग द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द वर्ड इटोटोका ये एंथोलॉजीज हैं ये ट्राइबल पीपल है ये कोई तरीके का टैक्स है या ये कोई तरीके मर्चेंट्स है व्यापारी है सो द सेकंड
संगम लिटरेचर पे हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं संगम लिटरेचर की, एट द सेम टाइम संगम लिटरेचर सोसाइटी के बारे में क्या कहती है, ट्रेड के बारे में क्या कहती है. दिस इज मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस जनरली इन द एग्जामिनेशन. सो वंस यू डूइंग अ रिवीजन डू दैट रियली वेरी वेरी वेल. सो संचारी सहायक वीरेंद्र, द लास्ट क्वेश्चन, पद्मिनी, नैन्सी, अभिषेक, शीला, लाजवंती, लेक इन, स्नेहा, देन वी हैव ग्रेशमा, पद्मिनी, वीरेंद्र. Okay, the names I'm missing is just because the chat section is missing. So, Virendra, yes, correct. Reshma, correct. Dhara, Mamuni, Lajwanti, Santi Gopal. Okay, absolutely correct. Then we have Sarita, Amit, Rainbow, Jalaluddin, Greshma, Varsha, Trilok. Absolutely correct. Lajwanti, Ritika, Santi Gopal. Or kisi ka naam chuta hai? Amit, Sarita, Pushpa, Mamoni, Pradhan, Arpita, Rabi, Abdul, Dhara, Supriya, Sneha. Absolutely correct. Okay. So everybody, today we end this 30 set of questions. Kal mega marathon hoga modern Indian ke questions ka. So medieval ho chuka hai, ancient hoga. Kal modern India karenge. So please join 3 baje sharp and tell me how much did you score out of 30 questions. Isme aadhe waise previous years hi the. So just tell me how much did you score and tomorrow we are going to do that. To ye pure week humne aise mega marathon pe focus kiya generally. Ek baar dates aa jaate hain, so we'll go for proper 50 questions and 100 questions in one session. So we will have lot of interesting sessions for you. Aapko bas yahan pe achhi tarike se aana hai aur revision karna hai. One last through, run through revision before the examination, jo ki aapke liye zaruri hai to give you a confidence booster. At the same time, please remember, jo log naye aaye hain, 11 AM के सेशंस में हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कर रहे हैं. तो जिनको भी टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करने हैं एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न के, आप 11 AM की ऐप पे जो सेशंस होते हैं वो आप अटेंड करेंगे. YouTube पे जो सेशंस हो रहा है 3 PM, दिस इज अ जनरल सेशन इन अ सेंस कि हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि पूरा का पूरा एंशिएंट मिक्स, मिडिवल मिक्स, मॉडर्न मिक्स या सब कंबाइन करें, क्योंकि एग्जामिनेशन में एंड ऑफ द डे वैसे ही मिक्सड क्वेश्चंस ही आएंगे. सो हियर वी आर गोइंग जनरली द एंटायर सिलेबस, यहाँ पे हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं. सो बोथ द एरियाज आपका रिविजन हो रहा है विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड ओरिएंटेशन. Please attend both the sessions. ये आप सब लोगों के लिए है. Download the Byju's exam prep app, register and do be a part of app and YouTube sessions. ठीक है? So I hope you enjoyed the session. Firstly, have a very very productive day. और also I hope कि जो सबसे पहली slide में हमने जो positivity का dose दिया था, where you have to believe in yourself, I hope you are doing that. So don't question yourself in the last 15 days. डोंट क्वेश्चन योर सोर्सेज, डोंट, एंड अपना स्टाइल जो है पढ़ने का वो चेंज मत करेगा. ये नहीं कि किसी ने आपको बोला कि भाई मैं ऐसा पढ़ रहा हूं तो मैंने बहुत अच्छी तरीके से खत्म कर लिया. यू डोंट नो द स्टाइल विच इज सूटिंग फॉर अदर्स माइट नॉट सूट फॉर यू. सो जो आपका तरीका है जो आपके लिए इतने टाइम से काम कर रहा है, विद इन 10-15 डेज पहले डोंट चेंज योर स्टाइल, डोंट चेंज योर स्लीपिंग पैटर्न. जितना देर आप जगते हैं, जब सोते हैं, प्लीज कीप ऑन गोइंग विद डैट ओनली. ओके, ईट वेरी वेरी वेल, स्टडी वेरी वेरी वेल. इनडायरेक्ट क्वेश्चन हिस्ट्री में आएंगे बिकॉज हिस्ट्री पेपर ऐसे बनता है विद डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट क्वेश्चंस. सो इन इनडायरेक्ट क्वेश्चंस यू हैव टू बी वेरी वेरी स्मार्ट, यूज एलिमिनेशन टेक्निक्स विद ऑल द प्रीवियस नॉलेजेस जो आपने गेन किया है फ्रॉम स्टडी. एट द सेम टाइम इन द एग्जामिनेशन हॉल बी काम एंड कंपोज्ड. स्टार्टिंग के अगर 5-6 क्वेश्चंस नहीं आ रहे तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है. जो आ रहा है प्लीज मेक श्योर यू आर डूइंग दैट रियली वेरी वेरी वेल, कि उसका ए बी सी आपने सही मार्क किया. डोंट बी एब्सेंट माइंडेड, डोंट कंपेयर योर प्रिपरेशन विद अदर पीपल. ठीक है, जितने भी प्रॉब्लम्स है थोड़ा वो साइड रख है, क्योंकि अगर आप ज्यादा प्रेशर लेंगे तो अंडर प्रेशर यू विल स्टार्ट गोइंग रॉन्ग, आते हुए क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे. इन द मॉक आल्सो प्लीज गिव इट वेरी वेरी सीरियसली, बी वेरी काम कंपोज, ट्राई एलिमिनेशन क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस जिसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है. हाउ आर यू गेटिंग दोज आंसर्स? जब भी आप मॉक करें तो इन क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करें, बिकॉज मोस्ट कैंडिडेट्स विल गो रॉन्ग इन दीज क्वेश्चंस. यू हैव टू यूज योर एलिमिनेशन ट्रिक्स एंड नॉलेज टू गेन मार्क्स इन दीज क्वेश्चंस. तो थोड़ा जब मॉक कर रहे हैं या जनरल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो एलिमिनेशन क्वेश्चंस को थोड़ा ज्यादा फोकस जो है वो करिएगा. ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरी वन, एंड आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट सेशन कल 3 बजे. सो प्लीज हैव अ वेरी वेरी प्रोडक्टिव डे, स्टडी वेरी वेरी वेल, मोस्ट वेलकम एवरी वन, प्लीज टेक केयर एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन. एंड एकदम हेल्थ को प्रायोरिटी रखनी, अच्छे से खाए पीजिए और मस्त होके पढ़ाई करिए विद नो टेंशन एट ऑल. ओके, एंड प्लीज रिमेंबर आप सेकंड वीक ही टारगेट लेके चलिए. अगर एग्जामिनेशंस आगे बढ़ते हैं दैट्स वन डिफरेंट थिंग, बट प्रॉपर जो वॉर फुटिंग में पढ़ाई है वो आप अभी कर लीजिए, कि एक बार बहुत सीरियस तरीके से आपने प्रॉपर रिविजन कर लिया है, इट्स रियली गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू इन केस अगर एग्जामिनेशन आगे पीछे होता है. डेट्स तो आई जाएंगे तो ये टेंशन भी आपकी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी. ठीक है, एंड वंस द डेट्स आर आउट वी आर गोइंग टू गिव यू मोर क्वेश्चंस.
सो क्वेश्चंस की टेंशन नहीं है, बस आप पढ़िए, सेशंस में आइए, यूटिलाइज द सेशंस एज मच एज पॉसिबल एंड एट द सेम टाइम प्लीज रॉक द एग्जामिनेशन एंड बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फुलफिल योर ड्रीम. सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन कल 3 बजे विद मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चन. तो खा पी के आइएगा एकदम जोश के साथ. ओके सो सी यू एवरी वन. यस रितिका, मोस्ट वेलकम एवरी वन. प्लीज टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट.